हिमाचल कांग्रेस ने आज श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज नहर चौक में कोविड 19 उपचार के लिए भेंट किए स्वास्थ्य उपकरण। कुलदीप राठौर ने कहा कि ये सब कांग्रेस पार्टी का सामूहिक प्रयास है। कांगड़ा के इंदौरा में नशे की खेप बरामद, गहनों और 14.5 लाख रुपए की नकदी सहित महिला धरी, दो फरार। मणिकर्ण में गिरा बर्फ का पहाड़, मवेशी दबे। शीला नाला में मलबे की चपेट में आई 280 बेड बकरियां। मौसम ने ली करवट, हिमाचल प्रदेश में अलग अलग जिलों में हिमस्खलन व बर्फबारी, मनाली कुफरी सफेद बर्फ की चादर से ढका। उपमंडल फतेहपुर के अधीन रे टटवाली रियाली में अवैध खनन का काला कारोबार धड़ल्ले से, प्रशासन मुख दर्शक। उप तहसील रोनहाट के कैलवी गांव में एक व्यक्ति का मकान जलकर राख, प्रशासन ने दी पीड़ित को 5,000 रुपए की फौरी सहायता। हिमाचल कांग्रेस के विधि प्रकोष्ठ के सचिव अंतरिक्ष चौधरी ने ज्वाली में शुरू किया जनसंपर्क अभियान। चंबा मुख्यालय के साथ लगती टीवी बाड़ के पास सड़क मार्ग के ऊपर पहाड़ी से चट्टान गिरने का बड़ा हादसा टला। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के विधि विधायक सचिव अंतरिक्ष चौधरी ने अपने जनसंपर्क अभियान के तहत ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के मनतुगली गांव का दौरा किया, जिसमें उन्होंने बैठक कर लोगों को यह बताया कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा गरीबों के लिए काम किया है तथा इस समय प्रदेश में कांग्रेस पार्टी विपक्ष में होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम लोगों के सुख दुख में काम आए। उन्होंने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि आज प्रदेश की महिलाओं को जो मनरेगा योजना के तहत रोजगार मिल रहा है, वह कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा सोनिया गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की देन है, जिससे कि आज गरीब परिवारों की महिलाएं मनरेगा योजना के तहत काम करके अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही हैं। उन्होंने यह भी बताया कि देश में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए पूर्व यूपीए सरकार जन सूचना अधिकार पूरे देश में लाई जाए, जिससे कि बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों का पर्दाफाश हो। आज के कार्यक्रम का आयोजन किया था, अच्छा लगा लोगों के साथ लोगों की समस्याएं सुन के, और हमने यहाँ से लोगों को आश्वस्त किया है कि जब भी उनको किसी भी विपक्ष की जहाँ भी जरूरत पड़ेगी उनकी आवाज विपक्ष बिल्कुल बुलंदी से उठाएगा, और कांग्रेस पार्टी के जो भी प्रतिनिधि हैं, चाहे वो युवा कांग्रेस के हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के जो भी प्रतिनिधि हैं, वो उनका हमेशा हर मोड़ पे उनका साथ देंगे, और ऐसा नहीं लगेगा उनको कभी भी कि ज्वाली विधानसभा में जो है वो विपक्ष की भूमिका कोई नहीं निभा रहा है। ज्वाली विधानसभा में विपक्ष की भूमिका बिल्कुल जो भी कांग्रेस के सिपाही हैं वो उठाते रहेंगे, हर मुद्दा जो है लोगों का सरकार के समक्ष, और जो सरकार जो उल्टे सीधे फैसले कर रही है उन पे भी सरकार को हर मोर्चे पे घेरा जाएगा, और ऐसा नहीं है कि सरकार अपनी मनमानी करती रहेगी और उनको कोई नहीं पूछेगा। जो भी सरकार के गलत फैसले गलत नीतियां हैं उनका पुरजोर विरोध किया जाएगा हर मुद्दे पर, और आने वाले समय में जो हमारे चुनाव आ रहे हैं पंचायत के चुनाव, उसमें भी सरकार को पता चल जाएगा कि जो उनकी गलत नीतियां हैं उनका उसको क्या हर्जाना भुगतना पड़ा है, क्योंकि लोगों ने मन बना लिया है कि जो भाजपा की जो सरकार है इसको उखाड़ फेंकना है, और 2022 के जैसे ही विधानसभा चुनाव आएंगे सबके सामने नतीजे होंगे और सबको पता चल जाएगा कि जनता ने क्या मन बनाया है क्या नहीं। हिमाचल कांग्रेस ने आज श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज नहर चौक चीला मंडी को कोविड 19 व अन्य उपचार के लिए स्वास्थ्य उपकरण भेंट किए, ताकि यहां आने वाले मरीजों का सही तरीके से इलाज हो सके। इससे पहले प्रदेश कांग्रेस इसी तरह के उपकरण IGMC शिमला को भी भेंट कर चुके हैं। नशे के खिलाफ छेड़े गए अभियान में थाना ठमटाल पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। जानकारी के अनुसार नशे के गढ़ चन्नी बेली में शनिवार देर रात पुलिस ने तस्कर धर्मिंदर उर्फ गोविंदा के घर पर दबिश दी। उप तहसील रोनहाट के अंतर्गत पंचायत जरवा जुनेली के गांव केलवी में एक व्यक्ति का मकान चलकर राख हो गया है। ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार कुंदन सिंह सपुत्र बंसीराम निवासी गांव केलवी का गांव में दो मंजिला देवदार की लकड़ी से बना मकान आग की भेंट चढ़ गया है। ग्रामीणों ने बताया कि आग कब और कैसे लगी, इसकी किसी को कोई भी भनक नहीं लगी। ग्रामीणों को जैसे ही उस मकान को जलते हुए देखा गया तो कड़ी मशक्कत करने के बाद सभी ग्रामीणों द्वारा आग को बुझाने का प्रयास किया गया। उपमंडल फतेहपुर के अधीन रेट अटवाली रियाली में अवैध खनन सरेआम धड़ल्ले से किया जा रहा है। लोगों में बहुत उम्मीद थी कि अगर हिमाचल सरकार रे में पुलिस चौकी खोल दें तो अवैध खनन पर अंकुश लगाया जा सकता है,
परंतु सारी उम्मीदों पर पानी ही फिरा हुआ नजर आ रहा है। सूत्रों के अनुसार क्रशर संचालक व्यास दरिया में खनन के लिए बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल खनन करने के लिए कर रहे हैं। स्थानीय जनता की माने तो खनन माफिया इतना हावी हो चुका है, उस पर रोक लगाना असंभव सा हो गया है। अगर सीमांत क्षेत्र में क्रशर मालिक अवैध रूप से खनन करते रहे तो सीमांत क्षेत्र में जल स्रोत सूखने की कगार पर पहुंच जाएंगे और आने वाले समय में जनता पेयजल तक पीने को नहीं। पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में मौसम ने करवट बदली हुई है, जिसके चलते पहाड़ी और दोलादार इलाके में बर्फ पड़ना शुरू हो गई है, जिसके चलते मैदानी इलाकों में शीतलहर भी चढ़ना शुरू हो गई। वैसे तो समय पर बर्फ गिरना व बारिश आने पर किसानों के चेहरों पर खुशहाली देखी जा रही है। वहीं शीतलहर के चलते नूरपुर ब्लॉक के पंजाब सटे सुलियाली गांव में शीतलहर से बचाव करने के लिए दुकानदार आग जलाकर बैठे हैं। दूसरी ओर कोरोना के बढ़ते मामलों के प्रति चिंता व्यक्त कर रहे हैं। शीतलहर से सर्दी पड़ने पर लोग बाजारों में कम आ रहे हैं, जिसके बिजनेस पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। स्थानीय दुकानदार ने कहा, दो दिन से बादल छाए हुए हैं, लगता है ऊपर पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फ गिर रही है, जिसके चलते हमारे मैदानी इलाकों में शीतलहर चल रही है, जिसके चलते तथा कोरोना के चलते लोग घरों से सिर्फ जरूरी काम के लिए ही निकल रहे हैं, जिसके चलते दुकानों पर आजकल काम भी कम हो गया है। घने बादल जिस तरह छाए हैं, इनसे ऐसा लग रहा है कि बारिश हो जाएगी।